सिल्वर स्क्रीन पर पहली बार चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में फिल्म मेरा नाम जोकर और बतौर हीरो बॉबी से अपने बॉलीवुड सफर की शुरुआत करने वाले ऋषि कपूर ने 70 के दशक से लेकर अब तक पर्दे पर अपने अभिनय की चमक को बरकरार रखा है। तमाम सुपरहिट फिल्म देने वाले ऋषि कपूर का कहना है कि वह एक क्वालिटी एक्टर हैं और उन्हें कैरेक्टर रोल करना बेहद पसंद है और वे फिल्मों में सिर्फ पिता के रोल को ही नहीं करना चाहते हैं। ऋषि आज भी हर तरह के किरदार को निभाने में अव्वल हैं, लेकिन वे सिर्फ पिता के चरित्र में ही बंद कर नहीं रहना चाहते। ऋषि कपूर कहते हैं कि अग्निपथ में भले ही उन्होंने रऊफ लाला का रोल प्ले कर लोगों का दिल जीत लिया हो, लेकिन आने वाले समय में वे हर तरह के किरदार करना चाहते हैं। सुलेमान जी भाई, सुना किसी मुल्क में कुत्ते का गोश्त खाते हैं? हमने भी सुना है भाई। इस कुत्ते ने लाला की सुपारी ली है, इसका चेहरा बहुत बड़ा होगा, काट कर बेचेंगे दुगने दाम मिलेंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फिल्म दो दूनी चार में स्कूल शिक्षक संतोष दुग्गल की भूमिका कर चुके अभिनेता ने कहा, अगर मैं किसी फिल्म में हूं तब इसके प्रोड्यूसर को इस बात का पूरा फायदा उठाना चाहिए ताकि मैं अभिनय कर सकूं और खुद को योग्य अभिनेता महसूस कर सकूं और मैं अच्छा अभिनय करना चाहूंगा, यही मेरी इच्छा है। भाई हम भी गाड़ी ले रहे हैं। ऑन रोड रुपीज 3,38,000 ओनली। टोटल इनकम 20 और खर्चा 24। कहां से आएगी कार? आपको बता दें कि बीते शुक्रवार अतुल सबरवाल की रिलीज हुई फिल्म औरंगजेब में ऋषि कपूर ने हरियाणा के पुलिस अधिकारी का किरदार निभाया है, जिसे लोगों ने बेहद सराहा और पसंद किया। शुभ शर्मा, जानो दुनिया।